स्वागत है आप सभी का फैक्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला गया और जहां पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने करारी हार दी, 8 विकेट से करारी हार दी। और वो अफगानिस्तान जिसने वर्ल्ड चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराई थी, वही अफगानिस्तान ने एक बार फिर एक बड़ा उलटफेर किया है और पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया, जबकि अब तक कभी भी ODIs में अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं जीता था। एशिया कप से पहले वाली सीरीज़ याद करें, वहाँ पर 3 मैच लगातार अफगानिस्तान हारा था। हालांकि टक्कर अच्छी थी बट कभी जीत नहीं पाया था, बट वर्ल्ड कप में आकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया और ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम अब छोटी टीम नहीं है, हम किसी को भी हरा सकते हैं। अब इस बीच पाकिस्तान तो ट्रोल हो ही रही है, बट बाबर आजम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यार बाबर आजम क्यों ट्रोल हो रहे हैं, 74 रन बनाए, बट भाई साहब उन्होंने जो 74 रन बनाए हैं वो 92 गेंदों पर बनाए हैं और इसी कारण सोशल मीडिया पर जो नेटिजन्स हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं लंबर वन का बल्लेबाज है, कुछ कह रहे हैं जिम्बाबर है, कुछ बोल रहे हैं जिम्बू है, कुछ बोल रहे हैं इनके सामने जिम्बाब्वे नहीं आया, नहीं तो ये शतक मार देते, और कुछ बोल रहे हैं कि यार विराट कोहली से कहाँ ही कंपेयर करते हो, घंटे का किंग है। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार बाबर आजम को लोग कह रहे हैं, जबकि बाबर आजम ने पारी अच्छी खेली थी। पाकिस्तान को जो ज़रूरत थी वो पारी बाबर आजम ने खेली, रन बनाए और अपनी टीम को एटलीस्ट एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाया जहां पर वो लड़ सकते थे। 282 रन पाकिस्तान पहुंच पाया था और चेन्नई की पिच पर ऐसा लगा था कि ये रन काफ़ी होंगे, बट अफगानिस्तान ने सनसनीखेज जो है चेस किया और बाबर आजम की पारी हो या अब्दुल्ला शफीक की पारी हो, इन पर पानी फेर दिया। बट बाबर आजम नंबर वन, जिम्बाबर, जिम्बू, इस तरह के नाम उन्हें दिए जाते हैं और उन्हें हमेशा, क्योंकि अक्सर जो उनके फैंस हैं वो विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, जबकि विराट के कंपैरिजन में तो खैर पूरी दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं है। तो बाबर आजम तो अभी अभी उनका जो करियर है अभी 4-5 साल हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो ऐसे में 78 सेंचुरी और कहाँ बाबर आजम, ये कंपैरिजन करना तो कभी भी ठीक नहीं होता। बट जिस तरह से बाबर आजम का मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी एक गलत है, क्योंकि बाबर आजम भले ही रन नहीं बनाए या जैसे भी रन बनाए हों, हैं तो वो नंबर वन दुनिया की ODI बैटर और विराट कोहली खुद उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है जो भी है उनका, जैसी पारी आई, स्ट्राइक रेट, ये चीज़ मसला, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट फिर भी आप एज अ प्लेयर, आप एज अ स्पोर्टिंग लवर आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया पर बाबर आजम का बहुत मजाक बन रहा है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।